बात पंजम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के जहनी आजमाइश के आज के वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही टेस्ट को अटेंड कीजिए। देखते हैं हमारा आज का मौजू क्या है। आज का हमारा मौजू है आईने में अक्स। हम रोजाना आईने का इस्तेमाल करते हैं, हम अपना अक्स आईने में देखते हैं। आप सभी रोजाना उठ के आईना देखते हैं, आईने में हमें क्या नजर आता है? आईने में हमारा अक्स नजर आता है जो हूबहू हमारी तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली होती है और हमें वो तब्दीली इन सवालों के जरिए पहचाननी होती है। क्या हमने कभी बगौर मुशाहिदा किया है हम और हमारे आईने में अक्स में क्या तब्दील नजर आती है? आप लोगों ने कभी किया है? अगर नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। आप जब भी आईना देखेंगे तो देखिए कि क्या तब्दील नजर आ रही है, कौन से हमारे जिस्मानी आज़ा है जिनकी सिमतें बदल जा रही हैं। हमारे सर और हमारे हाथ का मुशाहिदा करें तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि हमारे सर ऊपर के बाजू का वैसा ही है। हमारा जो सर का जो हिस्सा है, जब हम देखते हैं हमारा चेहरा आईने में, तो हमें बिल्कुल हूबहू वैसा ही नजर आता है, लेकिन हमारा सीधा हाथ आईने में उल्टी जानिब और उल्टा हाथ आईने में सीधी जानिब नजर आता है। अगर आप सिमतों का ख्याल करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो सीधा हाथ है वो आईने में उल्टी जानिब नजर आता है और हमारा जो उल्टा हाथ है वो आईने में सीधी जानिब नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे सामने है, हमारा अक्स जो होता है आईने में बिल्कुल हमारे सामने नजर आता है, तो हमारा जो सीधा हाथ है वो हूबहू हमारे सामने उल्टी जानिब नजर आता है और हमारा जो उल्टा हाथ है वो हूबहू हमारे सामने सीधी जानिब नजर आता है। किसी चीज या शक्ल का आईने में अक्स असल चीज के बाएं और दाएं बाजू के अदला बदली दिखाई देता है। किसी भी चीज को अगर आप आईने में देखेंगे तो असल चीज की बाएं और दाएं बाजू की अदला बदली हो जाती है। इस किस्म के सवालात में एक हुर्फ, हिंसा और शक्लों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जो सवालात होते हैं, जैसे आईने में अक्स वाले सवालात, इसमें एक हुर्फ होता है या कुछ हिंसे होते हैं या कुछ शक्लें होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है और आईने में अक्स की वजह से तुलबा की सोच और गौर करने की सलाहियत और मुंतकी सोच में इजाफा होता है। आपकी गौर व फिक्र करने की सोच बढ़ती है, आपकी मुंतकी ने लॉजिकल सोच में इजाफा होता है, आप गौर व खोज करना शुरू करते हैं शक्लों पर कि ये शक्ल आईने में कैसे नजर आएंगी, और मुशाहिदा करते करते आपका जो मुंतक है, आपका जो लॉजिक है, एकदम परफेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं कुछ सवालात। सवाल है, सवाल ये शक्ल का आईने में अक्स कैसा दिखाई देगा? सही मुतबादिल जवाबी शक्ल में तय कीजिए। देखिए, ये सवालिया शक्ल है और ये जवाबी शक्ल है। सवाली शक्ल बिल्कुल इस तरह है। देखिए, ये वी और आई, यानी ये छः है रोमन हिंसी अलामत का, और ये जो अलामत है जो दिख रही है आपको, ये निशान निशान निशान, ये एक्चुअल में इस जानिब आईने में अक्स देखना है हमें। ये जो शक्ल है वो इन चारों में से किस तरह नजर आएंगी आईने में। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक भी है, आप इस शक्ल को फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप यानी जैसे हम पेज पलटाते हैं ना हमारे बयाजों के, उस तरह इस शक्ल को पलटा के देखिए। जैसी पलटी हुई शक्ल आपको नजर आएंगी वही आपका जवाब रहेगा। तो देखते हैं उसे किस तरह है ये। देखिए, ये शक्ल थी हमारी सवाली शक्ल, उसके बाद ये अलामत थी आईने की अक्स की इस जानिब। ये जो ब्रश की तरह जो निशान नजर आ रहे कंघे की तरह, ये इस जानिब है, यानी इस जानिब हमें शक्ल तलाश करनी है। और इस शक्ल को अगर हम पलटेंगे पेज की तरह, बयाजों की पेज की तरह या किताबों की पेज की तरह, तो बिल्कुल इस तरह नजर आएंगी पलटने के बाद में। देखिए, फ्लिप हो गई है इमेज, इसका ये जानिब इधर आ गया और ये आई वाला जानिब इधर आ गया। इस तरह की शक्ल हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीन में है। देखिए, ऑप्शन नंबर तीन में बिल्कुल इस तरह की शक्ल है और ये हमारा सही जवाब रहेगा। इसकी एक और ट्रिक है, अगर आपके पास में इंक पेन है तो आप इस शक्ल के ऊपर इंक पेन से हाथ घुमा लीजिए और उसे बाजू पेज को फोल्ड करके चिपका दीजिए, तो आपको जवाबी शक्ल मिल जाएंगी। तो चलिए, ऑप्शन नंबर तीन को हम फिल करेंगे मुकम्मल तौर पर इस तरीके से। एक और मिसाल देखेंगे, सवालिया शक्ल का आईने में अक्स कैसा देगा, कैसा दिखाई देगा? सही मुतबादिल शक्ल में तलाश कीजिए। देखिए, ये सवालिया शक्ल है 6, 8, 9, ये आईने का अक्स इधर ढूंढना है हमें, ये पलटने के बाद में किस तरह नजर आएंगे। ये जवाबी शक्लें हैं चारों भी, मैंने अभी कहा इसे फ्लिप करना है, यानी हमको पेज टर्न करना है, पलटाना है। ये हमारी सवाली शक्ल थी ये आईना, और ये बिल्कुल इस तरह फ्लिप हो जाएंगी, ये 9 इधर आ जाएगा। देखिए, ये 9 इधर था ना, तो ये आईने में इस जानिब चेंज हो गया है, यानी ये दाई से बाई जानिब चेंज हो गया। 8 थोड़ा उस तरह ही नजर आएगा और 6 भी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह का हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पहला ऑप्शन हमारा इस तरह का है, तो ये हमारी जवाबी शक्ल रहेंगी, ऑप्शन नंबर एक, इसे हम फिल कर देंगे। एक और मिसाल देखेंगे, सवाली शक्ल का आईने में अक्स दिखाना है हमें। ये सवाली शक्ल है, ये दो जानिब तीर के निशान और नीचे दायरा, और ये जवाबी शक्ल है, चारों में से एक हमें सही तलाश करनी है। इसे आप फ्लिप करके देखेंगे तो आपको एक शक्ल मैच हो जाएंगी आपकी। हमारी सवाली शक्ल, बाद ये आईने का अक्स,
यहाँ पे नजर आएगा बिल्कुल इस तरह, ये तीर का निशान इधर था, ये इधर था, और ये घूम के इस जानिब आ गया, इनकी जानिब चेंज हो गई डायरेक्शन। इस तरह की शक्ल हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम यहाँ पे फिल करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। बच्चों इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए, जितने ज़्यादा आप इस सवालों पे मश्क करेंगे आपके जवाब उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। और ध्यान रखें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।